हेलो फ्रेंड्स, द बर्निंग इश्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नजीर। दोस्तों, आज डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज। आज है 1 नवंबर और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। देखिए, फ्रंट पेज पे जो सामने न्यूज है, टॉक्स ऑफर अप्लॉय, तो ये कश्मीर से रिलेटेड न्यूज है। आपको पता होगा कश्मीर से रिलेटेड काफी न्यूज आ रही है। अभी परसों हमने आर्टिकल 370 डिस्कस किया था, कल आर्टिकल 35A डिस्कस किया था। तो हालांकि इस न्यूज में कुछ खास नहीं हमारे लिए, लेकिन आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, राइट। सो चूंकि कश्मीर इशू जो है वो एक बर्निंग इशू हमेशा रहता है, हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो इसके जो बैकग्राउंड है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आर्टिकल 370, 35A, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये कभी भी क्वेश्चन मेंस में देखने को मिल सकता है। तो ये बैकग्राउंड हमें इसके थोड़े से पता होने चाहिए, राइट। तो ये जो न्यूज़ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हुआ यूं है कि जो सेपरेटिस्ट लीडर है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने ये जो ऑफर किया है, ये टॉक का, डायलॉग का, ये एक प्लॉय है, ये एक प्लॉय, प्लॉय मींस होता है कनिंग प्लान, अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए कोई प्लान अगर रचा जाए तो उसको कहते हैं प्लॉय, राइट, या एन एक्टिविटी डन फॉर अम्यूजमेंट। तो इन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कर रही है, और जबकि बार बार गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूअसली रिफ्यूज कर रही है जो हमारे बेसिक प्रीमाइसेस है। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, सेंटर इज नॉट एक्सेप्टिंग द बेसिक प्रीमाइस ऑफ डिस्प्यूट इन जम्मू कश्मीर। सो हमारी जो डिस्प्यूट का जो रीजन है, जो रूट है, जो मेन कॉज है, वो आप एक तरीके से बार बार डिनाई कर रहे हैं, ऐसा सेपरेटिस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये कह रहे हैं कि जो अभी आपको पता होगा कि एक इंटरलोक्यूटर के तौर पे दिनेश्वर स्वामी को वहां भेजा गया है, राइट, या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं आप उनको। तो उन्होंने ये कहा है, एक स्टेटमेंट दिया था, तो उसका ये अपोज कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मिस्टर शर्मा ये कहते हैं कि हमें कश्मीर को सीरिया बनने से बचाना होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप तो इसको कंपेयर कर रहे हैं सीरिया से, जबकि सीरिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूसरा है। सीरिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, एक सेक्टेरियन वार है, जबकि हमारा जो है ये क्या है, पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन इशू है, राइट। तो ये तो पहला एतराज इनको इसी बात में है कि आप उसको सीरिया से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो इंटरलोक्यूटर है वो क्या कर रहे हैं, ए टैक्टिक टू बाय टाइम अडॉप्टेड अंडर इंटरनेशनल प्रेशर। तो ये कह रहे हैं एक टैक्टिस है आपकी कि आप इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर में ये सारी चीजें कर रहे हैं, और आप जो आपकी पॉलिसी जो रही है मिलिट्री रिप्रेशन, जो आपका प्लान था उसमें आप फेल हुए हैं, तो आप इसलिए ये नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। और आगे कहते हैं कि अनलेस द कश्मीर डिस्प्यूट इज अंडरस्टूड एंड एड्रेस इन इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल कमिटमेंट मेड ओवर इट, लास्टिंग पीस कैन नाइदर बी अचीव्ड इन जम्मू कश्मीर नॉर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो बहुत देखिए, एक स्टेटमेंट इस पर ध्यान देने लायक है। इन्होंने ये कहा है कि अगर इस इशू को अगर हिस्टोरिकल टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर नहीं देखा जाएगा, और इस पे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट हुए हैं उसको अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तो वहां पे पीस एक तरीके से बहुत ही मुश्किल है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट में ही, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे मिलिटेंट और टेररिस्ट एक तरीके से ये डिस्प्यूट का फायदा उठाते हैं, और सब कॉन्टिनेंट में वो एक अनरेस्ट का माहौल पैदा होता है। और यहाँ पे लिख रहा है कि एनी कश्मीर टू बी पार्ट ऑफ फ्यूटाइल एक्सरसाइज विल ओनली अंडरमाइंड अवर इंटरनेशनली एक्नॉलेज लेजिटिमेट एंड जस्ट स्ट्रगल। तो कह रहे हैं कि अगर कोई हुर्रियत लीडर, अगर कोई कश्मीरी इसमें डायलॉग में इनके पार्टिसिपेट करता है, तो वो एक तरीके से हमारी जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज लेजिटिमेट हमारी जो हैसियत है, सिचुएशन है, और हमारा जो स्ट्रगल, उसको एक तरीके से वो अंडरमाइंड करेगा। तो आप इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका पता होना चाहिए, राइट, कश्मीर से रिलेटेड। और जो आर्टिकल हमने बताया, अगर आपको पता ना हो तो वो आप कल की वीडियो में देख सकते हैं, आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 35 है, और परसों आर्टिकल 370। और एक न्यूज ये देखिए, आपको बगल में दिख रही होगी, ये हमारी फाइनेंस सॉरी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज। तो ये भूटान के जो प्रीमियर हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और ये आईजीआई एयरपोर्ट पे, ये उनके प्रिंस हैं जिग्मे नामगेल, और ये भूटान के खेसर नामगेल बांगचुक, ये 4 दिनों की भारतीय यात्रा पे आए हुए हैं। और एक और मिसहैप से रिलेटेड न्यूज थी, नॉर्थ कोरिया में एक न्यूक्लियर साइट पे मिसहैप हुआ, उसमें 200 लोग डेड हो गए। तो बढ़ते आगे, आगे देखिए एक न्यूज है, आर्मी जो ये क्या कर रही है, प्लान कर रही है एक रेलवे स्टेशन, अभी आप लोगों को पता होगा एक हादसा हुआ था और उसमें 23 पीपल मारे गए थे, तो एल्फिनस्टोन पे हुआ था, ठीक है ना, उस ब्रिज का नाम था एल्फिनस्टोन ब्रिज, तो उसी पे एक नया ब्रिज, उसमें आर्मी भी पार्टिसिपेट करेगी, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है एयर इंडिया को और एयर इंडिया एक्सप्रेस टुगेदर इसको बेचने का प्लान कर रही है, राइट। तो इस पे एक तरीके से इनका काम चल रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इज वर्किंग टू कंक्लूड द सेल ऑफ नेशनल कैरियर एयर इंडिया
by June 2018 and is keen on selling its core airline operations together with its low cost international airline Air Indian Express. तो इनको Air Indian Express और Air India को एक तरीके से गवर्नमेंट बेचने का प्लान कर रही है और इनको अच्छा अगर बिडर मिल जाएगा तो June 18 से पहले इसको बेचने का उन्होंने मूड बना लिया है, राइट। तो अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज ये इलेक्शन से रिलेटेड ये काफी न्यूज आ रही है क्योंकि इलेक्शन होने हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, तो इसमें हमारे लिए कुछ खास नहीं है। और आगे की न्यूज देखते हैं। आगे की न्यूज देखिए। हाँ, अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए ये कांग्रेस से रिलेटेड न्यूज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। एक न्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं, 100cc बाइक्स जो होती है उस पर कर्नाटका ने एक बैन लगाया हुआ था कि जो पिलियन सीट होती है, पिलियन सीट का मतलब होता है जो बैक सीट होती है, राइट, जो जो राइडर होता है जो ड्राइव करता है उसके अलावा जो पीछे जो बैठता है उसको कहते हैं सीट जो होती है वो पिलियन सीट होती है। उस पे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है तो वो हाईकोर्ट वहां पे उन्होंने इस मोटरसाइकिल के जो वो है तो मोटरसाइकिल कंपनी के जो दोनों कर्नाटका में जो एक रूल था तो उसको प्रोहिबिट किया था, तो उसपे ये लोग उसको चैलेंज किया इन्होंने। और इसमें ये लोग देखिए हीरो मोटर्स है और इसके अलावा टीवीएस मोटर्स है, इन लोगों ने इसको चैलेंज किया है, ठीक है, क्योंकि इसपे इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे एक तरीके से इन्होंने बैन कर रखा था, राइट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मूव द हाईकोर्ट ऑन कर्नाटका क्वेश्चनिंग द 28 ईयर्स ओल्ड कर्नाटका मोटर व्हीकल रूल विच प्रोहिबिट्स पिलियन सीट ऑन मोटरसाइकिल विथ इंजन कैपेसिटी बिलो 100cc। जो 100cc से कम जिनकी कैपेसिटी है उसको एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से बैन किया हुआ है, राइट। उसकी पिलियन सीट जो होती है जो बैक सीट पे, तो उसी को इन्होंने चैलेंज किया है। और आगे देखते हैं। आगे देखिए ये है न्यूज नागार्जुना डैम से रिलेटेड, और ये डैम है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, राइट। तो इसमें देखिए नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट जो है, तो हमें इसकी थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं ये है कहाँ पे आखिर। तो नागार्जुना डैम की अगर बात करें तो ये देखिए ये इंडिया का मैप है और ये आपका ये नागार्जुना सागर है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं ये कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर पे ही है ये नागार्जुना सागर डैम। और इसकी हम अगर स्पेसिफिक लोकेशन देखें तो ये देखिए ये है आपका आंध्रा, और ये देखिए ये गुंटूर, और यहां से ये नागार्जुना, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं ये आंध्रा का मैप है, तो ये है आपका नागार्जुना। तो इसकी हमने लोकेशन देख ली। और बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये स्टोरी जो है तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि न्यूज थी एक्चुअली राइस फार्मर से रिलेटेड, तो इसमें इन्होंने नई वैरायटीज का चावल यूज करके अपने वहां और उसमें अच्छी खासी कमाई की है, तो उससे रिलेटेड न्यूज है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नाटका देखिए ये पुलिस चीफ जो है फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ इनको मिला है, और इन्होंने चार्जेस एज डीजी, तो आपको पता होना चाहिए जो पुलिस की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी स्टेट में वो क्या होती है, डीजीपी कहते हैं, ठीक है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनको ये पोस्ट कर्नाटका में इनको ये सौभाग्य मिला है वहां की पहली महिला चीफ होने का, राइट। और अगली न्यूज देखिए नेशनल पेज पे जो ये न्यूज है, देखिए सामने ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बीएसएफ और यही बाबे आजादी है। बाबे आजादी का मतलब ये गेट है, बाब मीन्स होता है गेट, तो आजादी का ये गेट है, और ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी वहां पे हो रही है, ये अटारी वाघा बॉर्डर है, राइट। और एक देखिए एक कंट्रोवर्सियल फिर बयान आया, जयपुर के मेयर ने कहा है कि आपको सिंग एंथम नेशनल एंथम आपको गाना होगा और नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, ठीक है। तो बड़ा आसान हो गया है पाकिस्तान भेजना, राइट। तो अंकल से हेल्ड गिल्टी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगली न्यूज देख लेते हैं हम। थ्री फोल्ड राइज इन डोमेस्टिक बजट फॉर फाइट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस हम सबको पता होगा, हमने डिस्कस किया था कल की जो न्यूज थी उसमें ये था कि ट्यूबरकुलोसिस की जो डेथ हुई है उसमें तो हमें डिक्रीज देखने को मिला है, और शायद 5% अराउंड था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वैल्यू, बट कुछ उसमें डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ गए, राइट। जो नए केसेस आ रहे हैं टीबी के वो बढ़ गए, तो वो कल की न्यूज में था। और आज हम देखते हैं क्या है, आज ये लिख रहे हैं कि डोमेस्टिक रिसोर्सेज जो है वो 74% हो गए हैं, 5.2 मिलियन दैट वॉज स्पेंड इन द लास्ट ईयर, ठीक है। तो होता यूं था पहले, देखिए 2016 की रिपोर्ट जो थी
उसमें क्या होता था, उसमें था कि जो डोमेस्टिक फंडिंग थी टीबी के ऊपर वो थी 38%, जबकि इंटरनेशनल फंडिंग थी 62%, राइट, समझ रहे हैं। तो 32 थी, सॉरी 38 थी डोमेस्टिक और 62 थी इंटरनेशनल। लेकिन 2017 में ये ट्रेंड चेंज हो गया और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 74% डोमेस्टिक हो गई और 26% इंटरनेशनल फंडिंग। तो यही ये न्यूज कह रही है कि थ्री फोल्ड राइज इन डोमेस्टिक बजट। तो डोमेस्टिक बजट जो 38 था वो अब कितना हो गया है, आपका 74 हो गया है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इंडियाज डोमेस्टिक बजट फॉर फाइटिंग ट्यूबरक्लोसिस शोज ए ड्रामेटिक जंप फ्रॉम अबाउट 700 करोड़ से ये 2500 करोड़ पहुंच गया है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, तो उन्होंने ये बात कही है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट दिस हैज फ्लिप्ड, डोमेस्टिक रिसोर्सेज अकाउंटेड 74% और ये वैल्यू दी हुई है 5 to 5 million लास्ट ईयर, व्हाइल इट वाज 38% इन 2015, ठीक है। तो ये न्यूज थी, तो हमें यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए एक दवा जो होती है उसका थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए एमडीआर टीबी जो यूज की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, और तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है WHO। तो थोड़ा सा देख लेते हैं WHO के बारे में। तो देखिए जो WHO है दोस्तों, WHO क्या है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसका काम क्या है, ये इसके कंसर्न जो है वो है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, और ये 1948 में यानी 1948 में ये बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके अलावा ये जो है WHO इज मेंबर ऑफ UNDP ग्रुप का भी ये मेंबर है, राइट। और इसके अलावा एक और चीज जो है, ये देखिए लीग ऑफ नेशन का ये पहले प्रीडेसर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, WHO देखिए कौन सी रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो WHO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हेल्थ सर्वे ये करता है। और इसके जो डीजी है इस वक्त टेड्रोस एड्रोम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ी सी देखनी होगी WHO से रिलेटेड। बाकी अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तो अगली न्यूज की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट रिलीफ फोर्स, हाँ देखिए एक अच्छी न्यूज है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है कि जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है तो वो क्या करती है कि जो फ्यूचर के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको वो कंसीडर नहीं करती है, राइट। तो इसी में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, थोड़ा सा रिलीफ दिया है जो सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड जो लोग होते हैं जिनको सैलरी मिलती है या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड कह लें, ठीक है, तो उनको कहा है कि उनको जो आप कंपनसेशन देते हो तो आप फ्यूचर एस्पेक्ट में उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोच के देते हो। तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ आपको समझ में आएगा। तो इन्होंने लिखा हुआ है टू हैव द परसेप्शन दैट ही इज लाइकली टू रिमेन स्टैटिक एंड हिज इनकम आल्सो विल स्टैग्नेट इज कंट्रेरी टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन एटीट्यूड। तो ये कह रहे हैं कि आपका ये सोचना, आपका ये परसेप्शन कि उसकी जो जो सिचुएशन है, उसकी जो इनकम है वो स्टैटिक रहेगी या स्टैग्नेंट रहेगी, तो ये फंडामेंटल जो ह्यूमन का जो एटीट्यूड है उसके खिलाफ है। क्योंकि आप सबको पता होगा, हाँ आप सबको पता क्या होगा, आप सब फील करते होंगे, हम सब की ये एटीट्यूड है कि हमें हमेशा क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा अर्न करने की कोशिश करते हैं, राइट। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमारी जो वेल्थ होती है उनको भी मैनिफोल्ड या इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो उसी को ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से कॉन्ट्रेरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी तो इन्होंने गाइडलाइंस को फिक्स किया है मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड, और इन्होंने कहा है कि अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें विक्टिम परमानेंट जॉब में है तो उसको क्या कह रहे हैं कि 50% ऑफ हिज अकाउंट सैलरी विल बी एडेड टुवर्ड्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, तो उसके फ्यूचर के लिए 50% सैलरी उसमें ऐड कर दी जाएगी, और अगर उसकी एज जो है 40 साल से कम है तो ये 30% ऐड की जाएगी। तो ये सारे प्रोविजन है, तो अच्छा एक स्टेप इन्होंने लिया है क्योंकि उनके फ्यूचर के बारे में ये लोग थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे उसको, राइट। और एक थोड़ी सी न्यूज ये है, रो ओवर विश्व भारती मूव टू रिवाइव गौशाला। ये यहाँ पे एक चीज बस इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसको हमारे नोबल लॉरेट जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इसको फाउंडेड बाय नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो बाकी दूसरी न्यूज जो है ये देखिए फार्मर्स, ये न्यूज हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, जयपुर
से रिलेटेड है। तो वहां पे जयपुर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां पे लैंड एक्विजिशन का काम हुआ था, तो उस पे ये लोग विरोध कर रहे हैं और काफी दिनों से ये एक वो बना के ग्रेव टाइप की वो बना के उसमें बैठे हुए हैं। तो अभी तक देखिए ये सिचुएशन चल रही है। तो अभी इन्होंने स्ट्राइक अपनी बंद कर दी है, राइट। तो इन्होंने देखिए स्ट्राइक ऑफ कर फार्मर कॉल्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन। तो जो ये अथॉरिटी है इन्होंने कहा है कि हम फिर से फ्रेश सर्वे करेंगे, तो इस पे इनको एक वो दिया गया है। तो इन्होंने माल भी लिया है और स्ट्राइक को अपने खत्म कर लिया। काफी दिनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग। और बढ़ते हैं आगे, तो आगे की जो न्यूज है देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये हम न्यूज डिस्कस कर चुके हैं। और देखते हैं आगे की न्यूज, देखिए एडिटोरियल है, एडिटोरियल हम कल परसों से शुरू कर देंगे डिस्कस करना। और ये देखिए, हाँ, दिनेश्वर स्वामी जो हमने अभी कश्मीर से रिलेटेड न्यूज जो डिस्कस की थी, तो यही है दिनेश्वर स्वामी, आप इनको देख सकते हैं माय फेस। तो इनका इंटरव्यू लिया गया है, काफी बातें आपको ये इंटरव्यू आप जरूर पढ़िएगा, इसमें काफी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। लेकिन इनसे जब पूछा गया कि सेंटर का इंटेंशन क्या है इस टॉक के पीछे, और आपको एक तरीके से गवर्नमेंट का इन्होंने मैंडेट जानने की कोशिश की, तो इन्होंने कहा इट इज ऑब्वियस दैट द गवर्नमेंट एंड एवरीवन एल्स वांट टू पीस इन कश्मीर। तो ये इन्होंने कहा कि हम सब यही चाहते हैं कि वहां पे कश्मीर में पीस स्थापित हो जाए, ठीक है ना, और जो ये वायलेंस है उनको एक तरीके से खत्म किया जा सके। और इनसे जब ये पूछा गया कि देयर हैव बीन, हाँ, कह रहे हैं कि पीस जो परमानेंट सोल्यूशन है कश्मीर का वो पीस ही है, और पीस जो है वो डायलॉग के थ्रू ही, डिस्कस डायलॉग और टॉक के थ्रू ही लाई जा सकती है। देयर पीपल्स प्रॉब्लम विल हैव टू बी एड्रेस, और वहां की जो पीपल्स की प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया जाना, कह रहे हैं कि ये प्राथमिकता होगी, ठीक है। माय जॉब इज टू डिलीवर एंड सी दैट आई राइज टू द एक्सपेक्टेशन। और इसे जब ये पूछा गया देयर हैव बीन मच इनिशिएटिव अर्लियर टू, इससे कहा गया कि आप इससे पहले ही बहुत सारे प्रयास हो चुके हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं उन सारे चीजों में लेंथी रिपोर्ट्स में नहीं जाना चाहता, मैं वहां की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और एक और चीज इनसे जब पूछी गई कि ड्यूरिंग द टेन्योर आईबी चीफ वाज कश्मीर द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, इसे पूछा गया कि क्या कश्मीर ही एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज था सबसे बड़ा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि नक्सल अटैक और इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट वर द मेजर सिक्योरिटी चैलेंज, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये कह रहे हैं कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ अनरेस्ट दैट हैपेंड इन 2016, तो ये कह रहे हैं कि हम 2016 में जो अनरेस्ट हुआ वैसा एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो ये बहुत अच्छा, इन्होंने काफी चीजें इसमें मेंशन किए। तो कश्मीर से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आए तो ये जो पॉइंट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन जो है, विल यू फैक्टर पाकिस्तान इन योर डायलॉग, तो इन्होंने कहा कि नहीं, डज नॉट फीचर इन द प्रेजेंट स्कीम ऑफ द थिंग्स, इट इज ओनली द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वी हैव टू टॉक, तो कह रहे कभी तो हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों से ही बात करनी है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देयर गवर्नमेंट हैज नॉट डिफाइंड द टर्म ऑफ रिफरेंस एड, तो ये कह रहे हैं कि जो होम मिनिस्ट्री है उसने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है दैट आई विल टॉक टू एवरीवन, कि हम मैं मतलब सबसे बात करेंगे ये, और आई हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड टू स्पीक टू एवरीवन, तो ये फ्री है सबसे बात करने के लिए। और ये सारी चीजें, तो आप इस इंटरव्यू को जरूर पढ़िएगा, काफी अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसमें। गवर्नमेंट का प्लान क्या है, गवर्नमेंट किस हिसाब से बात करना चाहती है, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, और तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये देखिए कल पटेल जी की जयंती मनाई गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री, 142nd बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, और उसको एक उसी रन फॉर यूनिटी के नाम से प्रोग्राम हुआ, और उस कल के डे को एकता दिवस के रूप में भी मनाया। द गवर्नमेंट हैज अर्मार्क द 31st एज अ राष्ट्रीय एकता दिवस टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पटेल, राइट। तो अब 31 अक्टूबर एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और ये 122nd बर्थ एनिवर्सरी थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये न्यूज जो है हमने न्यूज डिस्कस कर ली है, तो थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए द रेशनल इज दैट वी कैन फाइंड परस्पेक्टिव बायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल एयरलाइंस इफ वी कॉल बिड्स फॉर एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस टूगेदर, सिंस एयरलाइंस एयर ऑपरेट्स फ्लाइट्स मेनली ऑन रीजनल डोमेस्टिक रूट, इट मेक्स मोर सेंस टू सेल इट ऑफ सेपरेटली, राइट। तो ये सारी चीजें, डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द गवर्नमेंट हेल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ द बैक चैनल टॉक्स विद परस्पेक्टिव बायर। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की थी, ये सेलिंग जो हो रही है एयर इंडिया की उससे रिलेटेड थी, और ये चाइना डिनाइज
देखिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे चाइना, एक अभी न्यूज आई थी मीडिया रिपोर्ट में, ये कहा गया था कि एक 1000 किलोमीटर की टनल बनाने का प्लान कर रहा है चाइना, और वो जो ब्रह्मपुत्रा का वाटर है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उस पे ये न्यूज है, चाइना ने इसको डिनाई किया है। तो हम देख लेते हैं एक बार ब्रह्मपुत्रा रिवर की लोकेशन। तो ये है ब्रह्मपुत्रा, ये आप लोगों को पता होगा, यरलांग सांगपो कहते हैं यहाँ पे, और ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ से इंटर करती है, और उसके बाद ये आसाम से होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है, राइट। तो इस थोड़ी सी हमने देखी ब्रह्मपुत्रा की लोकेशन, और बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है। देखिए, ये राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कांग्रेस डिप्लोर ग्रोविंग इंटॉलरेंस। तो इसके अलावा देखिए, कश्मीर से रिलेटेड ही न्यूज है, मनी वाज वायर टू हिजबुल, ये एक हिजबुल मुजाहिदीन सैयद सलाउद्दीन यूसुफ है, उनके लड़के को कहा गया है, उनके चीफ हिजबुल मुजाहिदीन के ये चीफ है, तो इनके जो सन है उनके ऊपर आरोप है कि ये टेरर फंडिंग के थ्रू 4.5 लाख इनको मिले हैं, एनआईए ने ऐसी बात कही है। तो उसी पे ये कह रहे हैं कि अभी आप इंटरलोक्यूटर को अपॉइंट किए हैं, और ये बीच में ऐसे रेड वगैरह ये एक तरीके से डिसरप्ट करेगा इसको, राइट। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि लार्ज एनफ टू बी यूज फॉर टेरर एक्टिविटीज। हाँ, इनसे पूछा गया कि क्या ये जो इतने अमाउंट है वो एनफ है टेररिस्ट एक्टिविटीज को यूज, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। तो यूनिवर्सिटी एनआईए ने कहा है कि रिसीविंग एनी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम एन एक्यूज वॉन्टेड इन अ टेरर केसेज वॉज पनिशेबल अंडर सेक्शन 17 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, राइट। तो आप कितना भी मनी कहीं से ले, लेकिन अगर टेररी एक्टिविटीज में उसका यूज कर रहे हैं तो वो एक तरीके से पनिशेबल है। तो और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। और ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंदिरा का जो आइडियोलॉजी थी, देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आता है फर्स्ट पेपर में, तो उसमें जो हमारे जो पिछले गवर्नमेंट रही है, गवर्नमेंट जितने रही पीएम रहे, उनसे रिलेटेड थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, ग्रोविंग इनटॉलरेंस हैज चैलेंज द आइडिया ऑफ इंडिया दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी स्टूड फॉर एस्पाउज्ड ऑल हर लाइफ। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसी बात कही है। और देखिए एक चीज है, द आइडिया ऑफ इंडिया दैट इंदिरा गांधी फॉट फॉर हैज बीन थ्रोन फंडामेंटली इनटू अ क्वेश्चन बाय राइजिंग इनटॉलरेंस दैट वी आर विटनेसिंग टुडे, ठीक है ना। तो एक तरीके से कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी लाइफ अपनी इंटॉलरेंस से लड़ने के लिए में ही गुजार दी, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि जो चीज हम आज फेस कर रहे हैं, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। और इंडियन स्टूडेंट अटैक इन मिलान। तो मिलान दोस्तों, ये इटली, इटली का एक शहर है मिलान, वहां पे कुछ इंडियंस पे अटैक हुए हैं। तो सुषमा स्वराज ने कहा है कि हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और कैचिंग जीएसटी नॉट फॉर अस, ये चुरी रेसेस, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा कैटालन से रिलेटेड काफी न्यूज आ रही है बार बार। तो वहां के देखिए जो लीडर है, जो सेपरेटिस्ट जो लीडर है वहां के, जो वहां ऑटोनॉमी की जो डिमांड कर रहे हैं, तो कार्ल्स पिगमोंड नाम है उनका, उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि मैं एसाइलम नहीं लूंगा उसमें बेल्जियम में। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन होगा वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, कैटालन लीडर एक्सेप्ट मैड्रिड कॉल फॉर इलेक्शन, राइट। ये सारी चीजें हैं। और इनसे ये पूछा गया कि हाँ, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, आई आस्क द कैटलन पीपल टू प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग रोड, डेमोक्रेसी विल बी द फाउंडेशन ऑफ आवर विक्ट्री। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही है। इसके अलावा एक चीज हमने ये डिस्कस की थी, चार्जेस जो लगे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में रशिया का इन्वॉल्व, इंटरफेरेंस, तो उसमें देखिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई थी कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व थे, ये है कैमलिन, राइट। और इसके अलावा कर्मिन स्पोक पर्सन डेविटी पासो, ये इन्होंने ये बात की है। तो दो लोगों पे आरोप लगे थे, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। और ट्रम्प टू पुश फॉर ओपन इंडो पैसिफिक, राइट। तो इसमें ट्रम्प ने विल इम्फेसिस द नीड फॉर रिडक्शन इन द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना ड्यूरिंग विजिट। सो ट्रेड डेफिसिट को एक तरीके से रिड्यूस करने के लिए उस पर एम्फेसिस करेंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो दो आने वाले हैं, और एपेक की जो मीटिंग होगी उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे 9 नवंबर को। और ये मीटिंग कहाँ होनी है, दानांग वियतनाम में, राइट। तो दानांग वियतनाम आप याद रखें, एपेक की मीटिंग होने वाली है वहां पे।
और तो वहां पे देखिए, इन्होंने इससे पहले भी कहा था, कल परसों एक न्यूज थी उसमें इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, एक मतलब इनको डेफिसिट तो कम करना है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में कहा था इन्होंने कि हम वहां के हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और वहां के इम्पोर्ट को कम नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए यहां भी लिखा हुआ है, चाइना मस्ट प्रोवाइड फेयर एंड रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। और ये जो कहा है, सिर्फ इंडिया के सॉरी यूएस के साथ ही नहीं बल्कि सारी कंट्रीज के साथ उसको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि चाइना बीजिंग जो है, या चाइना जो है वो प्रीडेटरी इन्वेस्टमेंट करता है एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रीडेटरी का मतलब होता है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है ना, दूसरे को हित या दूसरे को दूसरे के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचना, उसको कहते हैं प्रीडेटरी इन्वेस्टमेंट। तो इनका ऐसा आरोप था कि चाइना ये करता है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ ट्रेड डेफिसिट कम करने का प्लान हमारा है, उस पर ज्यादा इंफेसिस करेंगे। ये चाइना विजिट के दौरान ये सब बातें सामने आएंगी। और सॉरी, और ये एक देखिए, श्रीलंका एमपीज डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ज्वाइंट जो अपोजिशन है उन्होंने एक तरीके से डिमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन किया है, और 3 डे डिबेट ऑन द इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी ड्राफ्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल बिगेन इन पार्लियामेंट ऑन मंडे, इवन एज मेंबर ऑफ ज्वाइंट अपोजिशन स्टेज डिमोन्स्ट्रेशन अपोजिंग। सो वहां की जो पार्टियां हैं उस अपोजिशन जो है उसका विरोध कर रहा है, और ये 3 दिन को डिबेट वहां पे उसकी इंटरिम रिपोर्ट है जो स्टीयरिंग कमेटी ने जो दी थी, ड्राफ्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पर शुरू हुई है डिबेट, राइट। तो इसके अलावा देखिए, पाक जो है एनवाय संबंध ओवर डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, देखिए ये क्या हुआ था कि बांग्लादेश के जो इन्होंने पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, सो उनको इन्होंने समन किया है और कहा है, एक्चुअली इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट नहीं बल्कि इन्होंने फेसबुक पे एक कुछ लिखा था, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ है, बांग्लादेश वार्न पाकिस्तान ऑन ट्यूजडे अगेंस्ट डिस्टॉर्शन हिस्ट्री, मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से हिस्ट्री को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड इन्होंने एक वीडियो शेयर की थी, उस पर ये सारी बातें हुई है, और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को इन्होंने सबमिट किया है। हुआ यूं था, इसमें कहा यह गया है कि जियाउर रहमान जो है उन्होंने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को अनाउंस किया था, न कि शेख मुजीबुर रहमान। तो एक तरीके से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट या बदलने की कोशिश की जा रही है। तो बांग्लादेशी का फॉर्मल नोट एन अपोलॉजी फॉर दिस इल मोटिवेटेड एंड मिसलीडिंग वीडियो, ठीक है ना, इसके लिए माफी मांगने की बात कही है। और ये कह रहे हैं कि मीन वाइल द कंट्रीज फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान मार्च 7 स्पीच विच सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ न्यूमरस फ्रीडम फाइटर हैज बीन रिकॉग्नाइज बाई यूनेस्को एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज डायरेक्टर जनरल यूनेस्को। तो इन्होंने जो स्पीच दी थी इंडिपेंडेंस की 7 मार्च को, तो 1971 का ये केस है, तो उसमें ये इन्होंने कह रहे हैं कि उसको एक तरीके से यूनेस्को की डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज में भी रखा गया, राइट, जो उसको डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है वो, तो उस पे ये कंट्रोवर्सी हुई है। और ये देखिए, टेंशन माउंट फॉर गाजा, गाजा में फिर से टेंशन का माहौल हुआ है, इजरायली ऑपरेशन टू ब्लो अप टनल फ्रॉम द गाजा ट्रिप किल्ड 7 पैलेस्टीनियन। तो फिर से वहां पे गाजा, गाजा आप लोगों को पता होगा ना, ये फलस्तीन का पार्ट है पैलेस्टाइन का, और ये गाजा और इसके अलावा जो इन लोगों के बीच हमेशा चलती रहती है इसराइल और गाजा के बीच, तो वहां पे फिर से एक नया वायलेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज है, वहां पे ऑनर किलिंग के काफी केसेस हो रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि 280 मर्डर रिकॉर्डेड फ्रॉम अक्टूबर 2016 टू जून दिस ईयर। तो अक्टूबर से लेकर जून तक 280 केसेस यहाँ पे ऑनर किलिंग के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और ये जो फोटो है वो कंदील बलूच की है, इनको भी इनके मर्डर ने पिछले साल मार दिया था, ठीक है, ये भी ऑनर किलिंग का ही मामला था। इसके अलावा एक न्यूज हम देख रहे हैं डूइंग बिजनेस से रिलेटेड, तो इंडिया ने 30 प्लेसेस की इस पे जंप की है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक के जो वर्ल्ड बैंक के विकास दूत है, तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो इंडिया ने जो रिफॉर्म लाए थे तो उसकी वजह से इंडिया को ये सारी अचीवमेंट ये मिली है, राइट। तो इंडिया क्लाइम 30 पोजीशन इन द लेटेस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बाय द वर्ल्ड बैंक इन इट्स डूइंग बिजनेस 2018 रिपोर्ट रिलीज ऑन ट्यूजडे। द रिपोर्ट रैंक्स इंडिया एट 100 अमंग द 190, तो 190 कंट्रीज की ये लिस्ट थी, उसमें इंडिया को 100 पोजीशन मिली है, जबकि पिछले साल ये कितनी थी, 130 थी। तो 30 पोजीशन 30 प्लेसेस का हमने वो किया है, हाइक किया है, ठीक है, 30 प्लेसेस जंप किया हमने। और आगे ये कह रहे हैं कि द हिंदू
जीएसटी वुड बी अकाउंटेड फॉर, तो ये कह रहे हैं कि अभी इसमें जीएसटी को अकाउंट नहीं किया गया, डिमोनेटाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, ये अगली साल की जो रिपोर्ट आएगी उसमें आपको उसमें ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। और इंडिया गवर्नमेंट हैज बीन फोकस्ड ऑन रिफॉर्म्स, तो ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने फोकस किया है रिफॉर्म पे, तो आपको ये अचीवमेंट या ये हाइक देखने को मिला है। इसके अलावा ये यहाँ इंडिया मेड बिग एफर्ट्स इन लास्ट थ्री ईयर, तो कह रहे हैं कि इंडिया ने तीन साल में रिफॉर्म के लिए एक अच्छा एफर्ट किया है, बिग एफर्ट लगाया है, तो आपको ये सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। और हमारे अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि हमने अभी कुछ चीजें हैं जिसपे काम करने की जरूरत है, द रिपोर्ट मेजर एस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशन अफेक्टिंग 11 एरिया। तो हमने पिछली न्यूज आप दो दिन पहले ये डिस्कस किया था जो पैरामीटर्स ये मेंशन करते हैं, तो उसमें देखिए 11 पैरामीटर ये मेंशन करते हैं, राइट। तो उसमें ये कह रहे हैं कि इंडिया मेड 8 रिफॉर्म्स, 8 में अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, और कुछ चीजें हैं जिनपे हमें अभी भी काम करने की जरूरत है, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि अक्रॉस दिस एरिया लास्ट ईयर हाईएस्ट फॉर कंट्रीज सिंगल ईयर, इंडिया इज वन ऑफ द थ्री कंट्रीज इन लास्ट अंडरटुक रिफॉर्म्स इन मेनी 8 एरिया। तो अच्छा क्या नाम है, 8 जो है एरियाज जो है उसमें इंडिया ने अच्छा काम किया था, रिफॉर्म लाए थे, तो ये फिर इसी की वजह से ये सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, राइट। तो आगे देख लेते हैं, आगे देखिए ये कोर सेक्टर ग्रोथ है 6, तो हमारे लिए यहाँ पे कोर सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोर सेक्टर में कौन कौन सारी चीजें आती है। तो आप देखिए इसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोर में आप ये 8 याद रखें, और इनका जो है 8 का ये जो कोर इंडस्ट्री है इनका रेशियो जो होता है आईआईपी में उसकी बात करें तो शायद 42% होता है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। और इसमें अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, और सबसे कम जो होता है वो किसका होता है आप बताएं, रिफाइनिंग प्रोडक्ट का शायद, नहीं शायद फर्टिलाइजर का होता है, राइट। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे कम फर्टिलाइजर का। और ये देखिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो टचेज 91.3%, तो ये एक तरीके से 91.3%, तो ये लिख रहे हैं कि इंडिया फिस्कल डेफिसिट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फिस्कल डेफिसिट तो 91.31% को पहुंच गया है, और एब्सोल्यूट टर्म में ये 4.99 लाख है, राइट। तो ये न्यूज हो गई। और आगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज है, तो कि सेबी इसको अब मॉनिटर करने वाली है, तो ये थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है ना, इसका मतलब आप लोगों को फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है ये, और वर्चुअली सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, तो इसको अब सेबी मॉनिटर करने वाली है, राइट। तो अगली न्यूज देखते हैं, अगली न्यूज देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और आप लोगों को पता होगा इंडिया ने कल सीरीज जीत ली थी, हमने डिस्कस किया था। और एक और न्यूज जो है स्पोर्ट्स में, देखिए स्पोर्ट्स में कभी कभी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे अब ना, पहले काफी लोग कह भी रहे थे तो हालांकि हम बिल्कुल ही स्किप कर दे रहे थे, लेकिन कुछ नाम जो कभी कभी जो आते हैं या स्पेशल कोई जैसे टूर्नामेंट वगैरह होता है, तो ये देखिए रणजी ट्रॉफी ये रिलेटेड है, जो लोकल हमारे क्रिकेट होता है, क्रिकेट से मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट जो होता है उससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हम देखा करेंगे। और देखिए यहाँ पे हिनाज गोल्डन, तो हमें ये पता होना चाहिए जो हिना है, हिना सिद्धू, ये क्या है, ये किस, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है ऑस्ट्रेलिया में, तो नहीं ऑस्ट्रेलियन बैंक सिल्वर, देखिए ये हिना सिंधु जो है ये सिल्वर मेडल इनको मिला है, राइट। तो हाँ सिल्वर मेडल ही मिला है, और हिना ने ये एक अच्छी शुरुआत की है, और सॉरी हिना को गोल्डन मिला है, हाँ तभी तो लिखा हुआ है गोल्डन स्टार, तो एक अच्छी देखिए गोल्डन शुरुआत की है। और इनका गेम क्या है ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए, तो इनका है ये पिस्टल शायद, ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी चीजें हम देख सकते हैं पिस्टल में, ठीक है ना, वुमेन्स एयर पिस्टल में शूटिंग में चैंपियनशिप में इन्हें गोल्ड मिला है, तो काफी प्राउड की बात है। और ये देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने AIFF इलेक्शन को था उसको सेट असाइड कर दिया है, उसको एक तरीके से मानने से इंकार कर दिया, और एक SY कुरैशी जो है हमारे पूर्व जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको क्या किया है, अपॉइंट किया है कि आप इनको ऑब्जर्व करते रहिए और डे टू डे की अफेयर को उनको एक तरीके से वो मॉनिटर करेंगे, राइट।
और जर्मनी मार्क्स 500 ईयर सिंस रिफॉर्मेशन। हाँ देखिए, जो कैथोलिक और लूथरन लीडर्स यूनाइट, जब भी देखिए जर्मनी में 500 साल पहले, ये मार्टिन लूथर के वक्त की बात है, तो इसमें क्या हुआ था कि इनको चर्च चर्च रिफॉर्म एक तरीके से हुआ था, और उसमें क्या हुआ था, प्रोटेस्टेंट चर्च जो है उनको एक तरीके से यहाँ पे, और कैथोलिक जो है उनका यहाँ पे डिवीजन देखने को मिला था, ठीक है ना। तो ये कह रहे 500 साल उसको हो गए, और बस दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स।